नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द वंदे भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस यूक्रेन युद्ध के बीच 3 दिन के यूरोप के अहम दौरे पर हैं। इसके लिए वे सबसे पहले जर्मनी पहुंच गए, इसके बाद वे डेनमार्क और फ्रांस भी जाएंगे। यूरोप के 3 देशों के दौरे के दौरान पीएम मोदी कुल 65 घंटों में 25 मीटिंग्स में शामिल होंगे। इस दौरान वे 8 वैश्विक नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि साल 2022 का यह पीएम मोदी का पहला विदेशी दौरा है। अपने 3 दिन के इस दौरे में पीएम मोदी भारतीय प्रवासियों और व्यापारियों से भी मिलेंगे। पीएम मोदी एक रात जर्मनी और एक रात डेनमार्क भी रुकेंगे। इसके बाद फ्रांस जाकर फिर से राष्ट्रपति पद का चुनाव जीते इमैनुअल मैक्रों से मिलेंगे। पीएम मोदी का यूरोप दौरा बेहद खास बताया जा रहा है, क्योंकि यूरोप के ज्यादातर देश यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस का विरोध कर रहे हैं। इन देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। दूसरी तरफ भारत ने अब तक न्यूट्रल लुक अपनाया हुआ है। हालांकि भारत ने रूस और यूक्रेन दोनों के राष्ट्रपति से बात करके इसे बातचीत से हल करने की गुजारिश भी की थी। बता दें कि विदेश दौरे पर पीएम मोदी जर्मनी के चांसलर आलोफ स्कॉलर से, डेनमार्क की पीएम मेटे से और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिलेंगे। मोदी राजधानी बर्लिन में जर्मन चांसलर आलोक शोल्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। पीएम मोदी और शोल्स छठे भारत जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन की अध्यक्षता करेंगे। ओलाफ शोल्स दिसंबर 2021 में जर्मनी के चांसलर बने थे। नई सरकार के गठन के बाद ये पहला IGC होगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर शोल्स एक बिजनेस इवेंट को संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी जर्मनी में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।